हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी पता आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको साइकोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे इस वीडियो को बनाने का एक मेन मुद्दा यह है कि आई एम वेरी वेरी श्योर कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एनजाइटी और अनसर्टनिटी है उसके चलते आप सभी लोग बहुत बहुत कॉन्शियस हैं कि क्या आपको एडमिशन मिलेगा अपने पसंदीदा कॉलेज के अंदर या नहीं मिलेगा हैंस यू ऑल हैव बीन एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सो योर आई एम टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट ऑल्टर और उसका एग्जैक्ट कोर्स स्ट्रक्चर या कोर्स क्या है या उसके क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट मी बिगिन वीडियो बट 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 में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को जाकर के फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एट द रेट अनलॉक साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी so के अंदर अंडर ग्रेजुएशन में दो कोर्सेज अवेलेबल हैं एक है बी ए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी और एक है बी एस सी क्लिनिकल साइकोलॉजी ठीक है इन दोनों के अंदर अभी तक आई एम श्योर आप डिफरेंसेस समझ चुके होंगे अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं जल्दी से एक स्निक पिक दे दूँ जब भी हम अप्लाइड या ऑनर्स कोर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ऑनर्स कोर्स के अंदर आपको इन डिटेल डेप्थ नॉलेज दी जाती है सब्जेक्ट की यहाँ पे आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है बीएससी बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा अनभिज्ञ कराया जाएगा क्लिनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स के यानी कि अब नॉर्मल साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स सो so, आप इसमें से अपनी इंक्लिनेशन चूज करके डिसीजन ले सकते हैं ड्यूरेशन uh, दोनों ही कोर्सेज का तीन तीन साल रहेगा और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वन ईयर सेमेस्टर फीस जो है फॉर बुद्ध कोर्सेज इज़ वन पॉइंट थ्री नाइन ओके सो वन पॉइंट थ्री नाइन इज़ फॉर नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स नाउ लेट मी कम डाउन टू अ फैक्ट कि गाइज आपके लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है यानी कि कौन से बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेंगे अगेन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन क्राइटेरिया भी सेम है यानी कि आपको अपनी क्लास ट्वेल्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन दीज टू केसेस तो अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर आप चाहते हैं कि इन दो कोर्सेज में से किसी भी एक में एडमिशन लेने के लिए तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यानी कि आप क्या क्राइटेरिया है जो आपके पास होना चाहिए क्राइटेरिया दोनों के लिए ही सेम है तो मैं एक साथ आप लोगों को बता देती हूँ जो कि बहुत सिंपल भी है. और आसान भी है और easy to achieve भी है है sure so, के लिए uh, sorry, class में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ परसेंट मार्क्स होने चाहिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो ये आ जाती है guys कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में इन योर क्लास ट्वेल्थ यू शुड नॉट है ओके okay, आपको किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है अगर आपकी रिपोर्ट कार्ड में कहीं भी एफ आ गया है तो आई यूनिवर्सिटी विल रिफ्यूज योर एडमिशन गाइस अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज की जो वो बेस्ट फोर सब्जेक्ट्स लेते हैं उसमें आपका एक लैंग्वेज होता है प्लस थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं वो जो थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं दे यूजुअली एक्सक्लूड दी एडिशनल सब्जेक्ट यानी जैसे कि फाइन आर्ट्स हो गया टाइपिंग हो गया ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसको वो एक्सक्लूड करते हैं एंड दे काउंट ओनली फॉर द मेन सब्जेक्ट सो दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू टेक एडमिशन इन एमट यूनिवर्सिटी ऑन दैट नोट आई एम साइन ऑफ फॉर द डे एंड होपिंग कि आप सभी लोग अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर जल्द से जल्द एडमिशन लें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि आप इस समय कौन से कॉलेज या कौन university hain so guys do take care of yourself and i'm going to see you all super duper soon bye bye